और एक तो गला का चैन ले गया, कान का जो है सिर्फ बाली होता है सो ले गया, और दो था 6,000 रुपया। कौन ले गया? हम लोग देखे सा लड़का, छोटा सा लड़का था। होली की रात शिवंकरपुरी में घाट पुल से सटे नदी के किनारे एक ही रात में 3 घरों में चोरी। सभी घर वालों को नशा खुराने गिरोह के कम उम्र के लड़कों पर जताया शक, बताया अगल बगल के क्षेत्र में वही रहते हैं सक्रिय। एक बच्चे ने कम उम्र के एक लड़के को भागते देखा। थाना प्रभारी एसएन सिंह ने किया घटनास्थल का मुआयना। बगल के एक संदिग्ध की पूछताछ के लिए हुई गिरफ्तारी। शुभंकरपुर वार्ड नंबर 9 के अमित ठाकुर मुरारी पाठा पर उपेंद्र राउत के घरों में पेटी का ताला खोलकर नगद गहने और अन्य कीमती सामान चोरी कर लिए गए। इस संबंध में बताते हुए स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बालिंदर झा बालाजी ने बताया कि पुल के अगल बगल सूखा नशा करने वाले कम उम्र के नशेड़ियों का हमेशा जमाव लगा रहता है। हम लगातार नगर थाना से स्थानीय टॉप तक इसकी शिकायत करते रहे हैं। कुछ दिन पहले भी इस क्षेत्र में चोरी हुई थी, जिसके पीछे भी उन्हीं नशेड़ियों का हाथ पता चला था। निश्चित ही इस चोरी में भी नशेड़ी गिरोह का ही हाथ होगा। अगर प्रशासन संज्ञान लेकर सही से कार्रवाई करे तो एक साथ नशेड़ियों और चोर दोनों से सुवंगरपुर की जनता को निजात मिल सकता है। उन्होंने बताया कि जल्द अगर प्रशासन संज्ञान नहीं लेगी तो इसके लिए उच्च अधिकारियों से बात कर इनके विरोध में आवाज उठाई जाएगी। और एक तो गला का चैन ले गया, कान का जो है सिर्फ बाली होता है सो ले गया, और दो था 6,000 रुपया। और मोबाइल वगैरह भी ले गया। मोबाइल लेना चाह रहा था, जैसे ही मतलब वो उठ गई ना तो वहाँ से हट गया। क्या घर घर खुला हुआ था क्या? नहीं, घर को मतलब छिटकिली थोड़ा सा उसका खराब है ना, तो लाठी लगा करके हम लोग सोए थे, तो उस लाठी को पहले निकाल लिया, निकाल करके यहाँ पर जो है सो रखे हुआ है, वहाँ से चल गया। पैसा चोर जितना था सब फेंक दिया मरवा के, जितना भी नोट उठ था। शादी हुआ था आपके घर में? जी। कब शादी हुआ था? शादी हुआ है 28 को शादी। तो किसी पर शक भी आपको है? हम लोग नहीं किसी को जानते। पुलिस आई है जी, हम ले रहे थे 500 रुपये का कि भाई है, तो फिर देखे तो पिन पर्स लेकर वहाँ पे अथी कर रहा था, तो हम देखे तो तभी भी हम सोचे ही नहीं देखे, बनिया गिराया, दो ठो पर्स उतार दिया, फिर चला गया उधर से ट्रंक पर से कुछ ले रहा था। उसको पहचानती हो? नहीं। कितना बड़ा था लड़का वो? एक मेरा भतीजा है उसी स्टाफ पर था, यानी लगभग इसी सब का, इसी सब का चार पर इससे हल्का। 6 बजे का मामला ये है? 4-5 बजे का सुबह में 4:30 बजे लगभग मैं आया, और उसके बाद आ करके मुँह छुपा करके, और उसके बाद सारा पर्स सब ले गया। कौन ले गया? हम लोग देखे सा लड़का, छोटा सा लड़का था। लड़का को पहचानते हैं? नहीं पहचानते, पहचानते तो उसको छोड़ देते हैं। अभी पुलिस आई है? हाँ आई हुई है। क्या बोला जा रहा है आपको? हमसे अभी वो लोग बात नहीं किए हैं, पापा है ना, पापा और भाजी से बात कर रहे हैं। इमली घाट पुल, महाराजी पुल टूट जाने के बाद, शुभंकरपुर का लाइफलाइन टूट जाने के बाद अगर कहें तो हम लोगों का जीवन का रक्षा यही इमली घाट पुल कर रहा है, जो शहर को जोड़ने वाला इस क्षेत्र का एकमात्र पुल है। उस पुल से एकदम सटे हुए घरों में लगातार पिछले महीने भी अमिताभ सर के नए स्कूल पर से कुछ चोरी हो गई थी, और लगातार एक घर में होली के रात में 3-4 घरों में चोरी होना कहीं ना कहीं चोरों के नज़र में पुलिस प्रशासन का खौफ एकदम ख़त्म हो गया है। और उसका कारण अभी थाना प्रभारी, नगर थाना प्रभारी महोदय आए थे, हमने सभी लोगों ने सामूहिक रूप से कहा है कि इसका कारण, एकमात्र कारण नशा खिरोरी, नशा करने वाला गिरोह है। वो गिरोह इमली घाट पुल के दोनों ओर, मुझे कहने में कोई डर नहीं होता है, पुल के कोने पर खड़ा होकर कह रहा हूँ कि इमली घाट पुल के दोनों ओर ऐसे नशेड़ियों, कम उम्र के नशेड़ियों का जमावड़ा दिन रात लगा रहता है। कई बार प्रशासन द्वारा पकड़ाता भी है, लेकिन फिलहाल बेल करा के दबाव दे के छूट के आ जाता है, और पुनः फिर व्यापार भी होता है और नशा करने वाले लोग नशा भी करते हैं। निश्चित ही इन चोरी के पीछे वैसे नशेड़ियों का हाथ है, कम उम्र के, अधेड़ उम्र के नशेड़ी। और जैसा कि एक प्रत्यक्षदर्शी बच्ची ने भी अपनी गवाही में थाना अध्यक्ष महोदय के सामने कहा है कि एक कम उम्र का लड़का ब्लू रंग के टी शर्ट पहने हुए 13-14 साल का लड़का, तो मैं जिस ओर इशारा दिया हूँ, दे रहा हूँ, लगातार
दबाव दे रहा हो, जब सतप्रकाश झा जी थाना अध्यक्ष थे तब, जब अजीत राय जी थे तब, और उसके बाद लगातार जो भी अध्यक्ष आए हैं तब, हम लोगों ने कहा है और ये थाना प्रभारी जी को भी कहा है। नफीसा हज व उमरा टूरिस्ट गुज़िश्ता 13 वर्षों से आज़मीन हज व उमरा खिदमत में सरगर्म, अभी लेकर आया है आप लोगों के लिए खास ऑफर। ग्रुप डिपार्चर 5 से 20 मार्च 2023 दिल्ली से जिद्दा, वापसी 10 अप्रैल 2023 मदीना से दिल्ली। कुल खर्च 1,30,000 रूपए 20 दिन। स्पेशल रमजान ऑफर 6 मार्च से 20 मार्च 2023 दिल्ली से जिद्दा, वापसी 23 अप्रैल 2023 मदीना से दिल्ली। कुल खर्च 1,60,000 रूपए 35 दिनों के लिए। पैकेज इंक्लूजन एयर टिकट, होटल, फूड, राउंड ट्रिप, ट्रांसपोर्टेशन बाई बस, जियारत, जमसम, लॉन्ड्री। डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, पासपोर्ट, फुली वैक्सीनेटेड सर्टिफिकेट, 2 पासपोर्ट साइज फोटोज, पैन कार्ड। एड्रेस बाजार समिति सिवधारा दरभंगा 846004। हाजी अबुल कलाम मोबाइल नंबर 9835686530 9939797586।